हेलो एवरीवन, मायसेल्फ राहुल गुनाव, और आज हम बात करेंगे एल्बो जॉइंट के बारे में। एल्बो जॉइंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और बीक्स मास का ये टॉपिक है एल्बो जॉइंट, इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो के अंदर एल्बो जॉइंट के कंटेंट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इसके मैं बात करूंगा, इसके अंदर इसके फीचर्स, इसके आर्टिकुलर सरफेस, क्यूबाइटल आर्टिकुलेशंस, लिगामेंट्स, तीन तरह के लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट्स, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स, उसके रिलेशन, उसकी नर्व सप्लाई, इसकी ब्लड सप्लाई, इसके मोमेंट, दो तरह के मोमेंट होते हैं, फ्लेक्सर मोमेंट, एक्सटेंशन मोमेंट, कैरिंग एंगल, जो सेपरेटली 5 मार्क्स का पूछा जाता है, अप्लाइड एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं फास्टली बताऊंगा इसको। सबसे पहले फीचर्स के बारे में बात की जाए तो फीचर्स क्या है इसके, इट इज अ हाई वेस्ट वेलोसिटी ऑफ द साइनोवायल जॉइंट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड द कूपर एंड्स ऑफ द अपर एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एल्बो जॉइंट है ये हाई वेलोसिटी साइनोवायल जॉइंट है एक तरह का, करेक्ट भाई? एल्बो जॉइंट है ये कौन सा साइनोवायल जॉइंट है, और साइनोवायल जॉइंट है मतलब इसका जो लोअर एंड है वो तो हमारी ह्यूमरस के साथ कनेक्टेड होता है, करेक्ट? लोअर एंड तो, और अपर एंड की अगर बात की जाए तो अपर एंड हमारी रेडियस और अल्ना के साथ अटैच हो जाता है। मैंने क्या कहा कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है ये एक साइनोवायल जॉइंट है, जो इसका लोअर एंड तो हमारी ह्यूमरस के साथ कनेक्टेड होगा और अपर एंड की बात की जाए रेडियस और अल्ना के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब हुमरो रेडियल और हुमरो अल्नर जॉइंट हो जाता है, मतलब जो हुमरस और रेडियस से कनेक्टेड होता है एक, और जो हुमरस और अल्ना से कनेक्टेड होता है हुमरो अल्नर जॉइंट प्लस सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, करेक्ट? ये सारा का सारा हमारे एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं, ये फीचर्स है एल्बो जॉइंट के। उसके बाद में आर्टिकुलर सर्फेस की बात की जाए तो दो तरह के सर्फेस होते हैं आर्टिकुलर सर्फेस के अंदर, एक अपर सर्फेस और एक लोअर सर्फेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपर सर्फेस के बारे में और फिर बात करूंगा लोअर सर्फेस के बारे में। अगर अपर सरफेस की बात की जाए तो अपर सरफेस है वो कैपिचुलम और ट्रोक्लिया और हुमरस के बीच में प्रेजेंट होता है। जो हमारा जो हुमरस होता है ना, हुमरस के अंदर दो तरह के सरफेस होते हैं, एक जो कैपिचुलम और ट्रोक्लिया होता है हमारे हुमरस के अंदर, तो उसका जो अपर सरफेस है वो कैपिचुलम और ट्रोक्लिया के अंदर प्रेजेंट होता है एल्बो जॉइंट का, और जो लोअर सरफेस है उसके अंदर क्या है कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है कि अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस और आर्टिकुलेट करता है हमारे कैपिचुलम से, और सेकंड ट्रोक्लिया नोच है अल्ना का वो आर्टिकुलेट करता है ट्रोक्लिया ऑफ हुमरस से। मैंने क्या कहा कि जो रेडियस है ना, रेडियस का जो अपर सरफेस है हेड, जो रेडियस का जो हेड है उस रेडियस का जो अपर सरफेस है वो तो हमारे कैपिचुलम प्रोसेस होता है हुमरस का, उसके साथ आर्टिकुलेट हो जाता है, करेक्ट? और जो लोअर जो ट्रोक्लिया नोच होता है अल्ना का वो आर्टिकुलेट होता है ट्रोक्लिया के साथ, करेक्ट? मतलब अपन इसको ऐसे याद करेंगे, सीआर से याद करेंगे, क्लास के अंदर जो सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, सीआर मतलब कैपिचुलम तो रेडियस से अटैच होगा और जो ट्रोक्लिया है वो अल्ना से अटैच होगा, अपोजिट कर देंगे दूसरा उसका, करेक्ट? उसके बाद में नेक्स्ट है क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन की बात की जाए तो ये क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन के अंदर ये एल्बो जॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कैपिचुलम ऑफ हुमरस है ये हुमरस बोन है, और ये वाली कौन सी है हमारी रेडियस है, और ये वाली अल्ना है, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर बात करो तो ये जो कैपिचुलम है, जो कैपिचुलम ऑफ हुमरस का कैपिचुलम है वो एक जो अल्ना, अगर इसकी बात करूं रेडियस, रेडियस का क्या है ये हेड है ऊपर वाला, तो हेड के साथ क्या आर्टिकुलेट कौन कर रहा है के हुमरस का कैपिचुलम, करेक्ट? और उसी प्रकार उसी तरह यहाँ पे ये हमारी अल्ना है, अल्ना का जो अपर हैंड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, ये जो हुमरस क्या जो ट्रोक्लिया प्रोसेस है ना, ये ट्रोक्लिया यहाँ पे तो ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मैंने अभी भी कहा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर मतलब कैपिचुलम है वो तो रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट होता है, और जो ट्रोक्लिया है वो किसके साथ अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होता है, और ये सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये यहाँ की अगर बात करूं ये इनके बीच में, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द रेडियल नोच ऑफ अल्ना। मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस हेड है ना हमारे रेडियस का, ये रेडियस है ये अल्ना है, वो क्या करता है कि ये जो अल्ना का जो रेडियल नोच होता है यहाँ पे इसके साथ आर्टिकुलेट कर जाता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे एल्बो और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इंक्लूड होता है,
मैंने अभी अभी कहा था, एक तो एल्बो जॉइंट इंक्लूड होगा जिसके अंदर ये दोनों आर्टिकुलेट होता है, कैपिचुलम तो रेडियस के अपर बॉर्डर के साथ आर्टिकुलेट होता है, अपर हेड के साथ, और ट्रोक्लिया है वो हमारे अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होता है, और सुपीरियर रेडियल अल्ना जॉइंट है जिसके वो इंक्लूड होता है जनरली, ये सारी चीजें करेक्ट। उसके बारे में नेक्स्ट बात करूंगा लिगामेंट्स के बारे में, तीन तरह के लिगामेंट बताऊंगा, कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट जिसको मेडियल लिगामेंट भी बोला जाता है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट्स भी बोला जाता है। अगर कैप्सुलर लिगामेंट की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे तरह के होते हैं, सुपीरियरली, इंफीरियर मीडियली, इंफीरियर लेटरली, सिनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर लिगामेंट और पोस्टीरियर लिगामेंट, सारी चीजें बताऊंगा। सुपीरियरली अगर बात की जाए कैप्सुलर लिगामेंट्स के अंदर, तो ये हमारा हुमरस है उसका जो लोअर एंड होता है ना उसके साथ अटैच होता है। इन्फेरियर मीडियली अगर बात करूं तो ये हमारे मार्जिन ऑफ ट्रोक्लिया जो अल्ना है, अल्ना जो ट्रोक्लिया के साथ आर्टिकुलेट होता है उसके साथ ये उसके मार्जिन पे ही अटैच हो जाता है, और एक्सेप्ट है यहाँ लेटरली। इन्फेरियो लेटरल की अगर बात की जाए, ये इन्फेरियो लेटरली हमारे अटैच होता है जो एनुलर, जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है ना वहां पे क्या होता है कि एक एनुलर लिगामेंट होता है उसके साथ आर्टिकुलेट हो जाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन की अगर बात करूं तो ये रहती है कैप्सुलर एंड फोसा के बीच में, उसके बाद में नेक्स्ट है फाइनल। अगर आर्टेरियल लिगामेंट और पोस्टेरियल लिगामेंट्स की बात करूं तो ये थिकनिंग होती है कैप्सुलर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूँ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स की बात की जाए तो ये हमारा हुमरस और ये अल्ना है, इसके साथ ये कोलेटरल होगा लिगामेंट्स दोनों प्रेजेंट होंगे। ये वाला मीडियल एपिकोंडाइली है हुमरस का, ये ओलिक्रोन प्रोसेस है, यहाँ पे पोस्टीरियर बैंड है ये, और ये एंटीरियर बैंड है और ऑब्लिक्यू बैंड है अल्ना कोलेटरल लिगामेंट्स का, और ये कोरोनॉइड प्रोसेस है अल्ना के अंदर, करेक्ट। याद रहेगा आपको कि ये वाला तो क्या होगा, मीडियल एपिकोंडाइली ऑफ हुमरस, ये ओलिक्रोन प्रोसेस हो गया, ये पोस्टीरियर बैंड है, ये एंटीरियर बैंड और ऑब्लिक्यू ऑफ अल्ना कोलेटरल लिगामेंट से कोरोनॉइड प्रोसेस है अल्ना का, करेक्ट। उसके बाद में है कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट की बात की जाए, ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और ऑब्लिक्यू बैंड होता है। तीन तरह के बैंड होते हैं, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और ऑब्लिक्यू बैंड। ट्रायंगुलर शेप का होता है, ये ट्रायंगल शेप का है जनरली, कुछ इस तरह से देखो ये ट्रायंगल शेप का है ना, ये लिगामेंट्स है अल्नर, जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स है ना, ये एक ट्रायंगल शेप का है। अपेक्स की बात करूं इसके अपेक्स की, तो ये एक देखो अपेक्स क्या है, मीडियल एपिकोंडाइली से अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये लिखा है अपेक्स क्या है, मीडियल एपिकोंडाइली, हुमरस की मीडियल एपिकोंडाइली से अटैच हो जाता है। और बेस की अगर बात करूं, ये बेस कहां से अटैच है, अल्ना से। तो आपको अगर कोई पूछ लेता है कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स की अगर बात की जाए तो ट्रायंगुलर शेप का होता है ये, और ये अपेक्स तो हमारे जो ये मीडियल एपिकोंडाइली ऑफ हुमरस के साथ अटैच होता है, और जो बेस की अगर बात की जाए ये हमारे अल्ना के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद में कंटेंट की अगर बात की जाए इसके अल्नर कोलेटरल लिगामेंट्स के, तो पोस्टीरियर बैंड, ये पोस्टीरियर बैंड है कंटेंट में, ऑब्लिक्यू बैंड, ऑब्लिक्यू बैंड भी है ये वाला, ऑब्लिक्यू बैंड है, और आर्टेरियल बैंड है, ये एंटीरियर बैंड है। तो एंटीरियर बैंड हो गया, कोलेटरल बैंड हो गया, पोस्टीरियर बैंड हो गया, तीन तरह के बैंड हो गए है ना, तो ये सारे इसके कंटेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स की बात की जाए, तो ये हमारा जो हुमरस है और ये हमारी रेडियस है, इसके बीच में लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है, उसको रेडियल कोलेटरल लिगामेंट बोला जाता है। कोलेटरल क्यों बोला जाता है, कल भी मैंने कहा था कि जब आर्टेरियल एनास्मोसिस पढ़ाया था इसका एल्बो जॉइंट का, तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर जो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर सप्लाई ब्लड की सप्लाई, तो उसको कोलेटरल बोला जाता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट बोलते हैं। वो सारी चीजें मैंने कल डिटेल में बताई थी सारी की सारी, जब एनास्मोसिस समझाया था, कोलेटरल और रिकरेंट एनास्मोसिस बोलूं या आर्टेरियल एनास्मोसिस ऑफ एल्बो जॉइंट बोलूं, कुछ भी बोलूं। अब उसके बाद में ये हुमरस है, ये लेटरल एपिकोंडाइली है, क्योंकि वहां पे जो अल्ना के अंदर तो मीडियल एपिकोंडाइली थी, इसके अंदर लेटरल एपिकोंडाइली है, ये हमारा कैपिचुलम प्रोसेस है, ये रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है, यहां पे ये आर्टिकुलर लिगामेंट है, ये रेडियस है, करेक्ट। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट की बात की जाए, फिन शेप का होता है जबकि वो ट्रायंगल शेप का होता है, एक्सटेंडेड करता है लेटरल एपिकोंडाइली जबकि वो मीडियल एपिकोंडाइली में करता है, एनुलर लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है, इसे एनुलर लिगामेंट तक मैंने बताया। ये ओरिजिन कहाँ होता है, सुपिनेटर से और एक्सटर्नल कार्पल रेडियल से। तो ये चीज याद रखना है आपको कि इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, सुपिनेटर मसल से और एक्सटर्नल कार्पल रेडियल से। उसके बाद में कंटेंट की बात करूं तो इसके अंदर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स और एनुलर लिगामेंट्स होते हैं, जबकि उसके अंदर अगर बात की थी मैंने तो तीन तरह के लिगामेंट्स थे वहां पे तीन तरह के लिगामेंट्स पढ़े थे मैंने, एक तो पोस्टीरियर बैंड पढ़ा था, एक कोलेटरल लिगामेंट्स पढ़ा था और उसके एक एंटीरियर बैंड पढ़ा था, करेक्ट। तीन तरह के कंटेंट थे वहां, जबकि इसके कंटेंट दो है, एक रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स, एक एनुलर लिगामेंट्स। रिलेशन के बारे में बात कर लेता हूं,
रिलेशन के बारे में बात करता हूँ कर लेता हूँ तो इंटरियर पोस्टियर मीडियली और लेटरली चार तरह से रिलेशन होता है। ये सारी चीजें मसल से आपको याद होनी चाहिए। एंट्रली अगर बात की जाए ब्रेकिलिस मेडियलिनस ब्रेकिल आर्टरी और टेंडन और बाइसे ब्रेकिल अटैच होता है। पोस्टेरियर ट्राइसे ब्रेकिल एनकोनियस होता है। मीडियली अगर बात की जाए अल्ना नर्व फ्लेक्सर कार्पस अल्नरिस कॉमन फ्लेक्सर होता है। लेटरली अगर बात की जाए सुपिनेटर एक्सटेंड कार्पस रेडियलिस ब्रेविस और अदर कॉमन एक्सटेंशन होता है। जब अपन रेडियस मसल्स की सॉरी रेडियस बोन जब पढ़ते हैं ना उसकी एनाटोमी तो वहाँ पे ये सारे के सारे अटैचमेंट है वो अपन को याद करने पड़ते हैं। एंट्रली फिर से बता देता हूँ, एंट्रली ब्रेकिलिस मीडियल नर्व ब्रेकिल और ब्रेकिल आर्टरी और टेंडन और बाइसेप ब्रेकिलिस है। पोस्टेरियर ट्राइसेप ब्रेकिया एंकोनियस है। मीडियली अल्नर नर्व है। फ्लेक्सर कार्पल अल्नरिस है कॉमन फ्लेक्सर है। लेटरली अगर बात करूँ सुपिनेटर एक्सटर्नल कार्पल रेडियल ब्रेविस और अदर कॉमन एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट नर्व सप्लाई के बारे में बात करता हूँ। ये अल्नर नर्व होती है क्योंकि अल्नर से कनेक्टेड होती है। मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व अल्नर नर्व मीडियन नर्व और रेडियल नर्व तीनों सप्लाई करती है। और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व होती है वो हमारी जो ब्रेकिलीज होती है ना उसकी ब्रांच के थ्रू होती है। तो आपसे कोई पूछ लेता है कि जो एल्बो जॉइंट के अंदर नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती है, अल्नर नर्व भी सप्लाई करती है, मीडियन नर्व भी सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व भी सप्लाई करेगी, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व भी सप्लाई करेगी, किसके द्वारा, ब्रेकिलिस की जो ब्रांच है ना उसके द्वारा, करेक्ट। ब्लड सप्लाई की अगर बात की जाए तो ब्लड सप्लाई को मैंने कल डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, वहां पर मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरह से आर्टरी एनास्मोसिस होता है एल्बो जॉइंट का, उसका डायग्राम दिखा देता हूं ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरह का डायग्राम बताया था मैंने, सारे बताए थे कि ब्रेकिल रेडियल से मेन ब्रांच है, इससे दो तरह की आर्टरी निकलती है, रेडियल आर्टरी बाइफर्केशन अल्नर आर्टरी हो जाती है, उसके बाद में ब्रेकिल आर्टरी चार तरह की ब्रांच देती है, ये एक एक ब्रांच ये देती है, ये वाली एक ब्रांच ये देती है और एक ब्रांच ये दे देती है, एक ब्रांच ये दे देती है इनके। और मैंने बताया था कि अगर जो ब्लड वेजल्स है अगर उसकी जो मेन ब्रांच है अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और जो उसकी ब्रांच अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अगर मेन ब्रांच और उसकी जो मेन ब्लड वेजल्स और उसकी ब्रांच है अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो उसको कोलेट्रल बोला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो रिकरेंट बोला जाता है। और फिर ये मेडियल एपिकोंडाइली है, लेटरल एपिकोंडाइली है, लेटरल साइड अगर बात की जाए रेडियल नर्व लेटरल साइड प्रेजेंट होती है और जो मीडियल और जो अल्नर नर्व है वो मीडियली प्रेजेंट होती है। उसके बाद में ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, इसका लेटरल एंटेरियर, ये मीडियल के रेस्पेक्ट में ये एंटेरियर सरफेस है, लेटरल के रेस्पेक्ट में एंटेरियर है, इसके रेस्पेक्ट में पोस्टीरियर है। उसके बाद में नेक्स्ट में बताया था कि ब्रेकिल आर्टरी से जितनी भी ब्रांच निकलती है सारी के सारी सेम डायरेक्शन में निकलती है, जिस डायरेक्शन में मेन ब्लड आर्टरी सप्लाई करती है, जबकि अल्नर आर्टरी और जो कोलेट्रल आर्टरी से दो दो ब्रांचेस निकलती है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और जब मैंने कहा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह की यहाँ से ये वाली जो अल्नर आर्टरी है वो इसके साथ एनास्मोसिस कर लेती है, ये वाली ब्रांच इसके साथ एनास्मोसिस करती है, रेडियस की दो ब्रांचेस निकलती है जो एक ये वाली इसके साथ एनास्मोसिस कर लेती है, ये वाली इसके साथ एनास्मोसिस कर लेती है, ये प्रोफंडा ब्रेकिल आर्टरी है और इनके जो नाम है वो किस तरह से दिए थे सारी की सारी वो चीज़ें मैंने बताई थी। और यहाँ से कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी निकलती है अल्नर से, जो दो तरह की ब्रांच होती है एंटेरियर इंट्रोसियस आर्टरी और पोस्टेरियर इंट्रोसियस आर्टरी, पोस्टेरियर वाली हमारी रेडियस के अंदर चली जाती है और फिर ये इसके साथ में एनास्मोसिस कर लेती है, वो सारी की सारी चीजें मैंने वो बताई थी जब आर्टरियल एनास्मोसिस बताया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइली ऑफ फूमरस की अगर बात की जाए सुप्रियल अल्नर कोलेट्रल ब्रांच हो जाती है, आर्टरी एनास्मोसिस होती है अल्नर की, रिकरेंट ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी हो जाती है। मोमेंट की अगर बात की जाए दो तरह के मोमेंट होते हैं, फ्लेक्सर मोमेंट और एक एक्सटेंशन मोमेंट। फ्लेक्सर मोमेंट की बात की जाए तो फ्लेक्शन के लिए हमारी ब्रेकिलिस बाइसेप ब्रेकिलिस और हमारी ब्रेकिल रेडियली से तीन तरह की मसल्स है वो फ्लेक्शन में हेल्प करती है, एक्सटेंशन में दो तरह की मसल्स हेल्प करती है, ट्राइसेप ब्रेकिलिस और एनकोनियस। ये चीज याद रखना है अपन को कि मोमेंट दो तरह का मोमेंट होता है, फ्लेक्शन मोमेंट और एक एक्सटेंशन मोमेंट। फ्लेक्शन मोमेंट में तीन तरह की मसल्स हेल्प करती है, बी 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 तीन से याद करेंगे, बी 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 से ब्रेकिलिस बाइसेप ब्रेकिलिस और ब्रेकिलिस रेडियलिस ये याद रहेगी। और एक्सटेंशन में दो हेल्प करती है, ट्राइसेप ब्रेकिलिस और एनकोनियस, करेक्ट, ये याद रह जाएगी। कैरिंग एंगल सेपरेटली पास मार्क्स का पूछा जाता है तो ये भी देखेंगे। उसके बाद में कैरिंग एंगल की बात की जाए तो कैरिंग एंगल सेपरेटली पांच मार्क्स का पूछा जाता है। ये एक स्मॉल डिग्री ऑफ द क्यूबिटस वेलगस है, फॉर्म होता है एक्सिस ऑफ रेडियलिस से डेविटेड होता है फोरामेंस और द एक्सिस ऑफ द ह्यूमरस में। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कैरिंग एंगल की अगर जभी भी बात की जाए तो कैरिंग एंगल क्या है, एक तरह का स्मॉल डिग्री ऑफ द क्यूबिटस वेलगस है और जो फॉर्म होता है किस किस के बीच में फॉर्म होता है, ये रेडियली डेविटेड ऑफ फोरामेंस एंड एक्सिस ऑफ ह्यूमरस के बीच में फॉर्म होता है। दूसरी बात, अगर ये हेल्प किसमें करता है कि कोई भी किसी भी तरह का हमारा जो आर्म है अगर वो स्विंग करता है विदाउट किसी भी तरह की कोई विदिंग ऑफ द हिप्स और जो वॉकिंग के समय ये हेल्प करते हैं अपन,
हाथों को हिलाते हैं ना ऐसे, तो वो उसमें साड़ी में ये एंगल है वो मदद करता है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो 5 से 15 डिग्री एंगल होता है इसका, और जब बॉडी दूर की तरफ जाती है ना हमारी बॉडी भाई, नॉर्मली तो जो एंगल है ना कैरिंग एंगल हमारा कितना होता है, 5 से 15 होता है। जब बॉडी है अवे जाती है दूर की तरफ जाती है तब ये एंगल है ना 165 से 175 डिग्री हो जाता है, और हमारी बॉडी के टूवर्ड्स में। उसके बाद में जो अगर मान लो कि क्यूबिटस वेरिडस की अगर बात करें तो इसके अंदर जो एंगल है वो लेस देन 5 डिग्री होता है, और क्यूबिटस वेलगस की अगर बात की जाए तो अगर मान लो किसी भी तरह का इस एंगल के अंदर डेविएशन आ जाता है, मतलब अगर 15 डिग्री से ज्यादा डेविएशन आ जाता है ना अगर इस एंगल के अंदर, तो उसको तो बोला जाता है क्यूबिटस वेलगस। बट अगर 5 डिग्री से कम लेस देन अगर वेरिएशन आता है तो उसको बोला जाता है क्यूबिटस वरेसस। तो दो चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग है। अगर क्यूबिटस वेलगस की अगर बात करूं तो इसके अंदर जो एंगल है ना वो 15 डिग्री से ज्यादा डेविएशन आ जाता है ना, बट अगर 5 डिग्री से कम डेविएशन आता है उसको बोला जाता है क्यूबिटस वेरेसस। उसके बाद में अप्लाइड एनाटॉमी की बात की जाए तो अप्लाइड एनाटॉमी 4 तरह से देखेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है तो ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाता है, और ये आफ्टर डिसोसिएट और फ्रैक्चर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस। करेक्ट, कहने का मतलब ये है कि डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट है ये पोस्टीरियरली होता है जनरली यूजुअली मैक्सिमम केस के अंदर, और जब ये एसोसिएट हो जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारा जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है ना, हमारा जो कोरोनॉइड प्रोसेस अपन ने बात करा था होमरेस के अंदर, उसका क्या है फ्रैक्चर हो जाता है। करेक्ट, उसके बाद में पुल्ड एल्बो की बात की जाए तो सबलेरेशन हो जाता है, हेड ऑफ हमारी रेडियस है उस रेडियस के जो हेड है ना उसके अंदर सबलेरेशन हो जाता है। उसके बाद में टेनिस एल्बो की अगर बात की जाए तो टेनिस एल्बो और ये गोल्फेयर एल्बो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। टेनिस एल्बो के अंदर तो लेटरल एपिकोंडेली ऑफ एल्बो के अंदर अफेक्ट होता है, जबकि गोल्फेयर के अंदर क्या होता है मीडियल एपिकोंडेली ऑफ एल्बो के अंदर ये होता है अफेक्टेड होता है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, टेनिस के अंदर तो लेटरल एपिकोंडेली के अंदर तो अफेक्टेड होगा और गोल्फेयर के अंदर मीडियल एपिकोंडेली के अंदर अफेक्टेड होगा। तो ये जो टेनिस एल्बो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट है टेनिस एल्बो। उसके बाद में क्या हो जाता है कि इसके अंदर स्प्रेन रेडियल कोलेटरल लिगामेंट्स हो जाता है, टीयरिंग ऑफ एक्सटेंशन कार्पस रेडियस ब्रेविंग हो जाती है, और मोर डेंजरस कंडीशन हो जाती है रेदन देन इन्फ्लामेशन कंडीशन है। और स्टूडेंट एल्बो की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बरसा और फोलिक्रोन प्रोसेस है वो इन्फ्लामेशन हो, हमारा कोई भी किसी भी तरह का जो बरसा होता है ना फोलिक्रोन प्रोसेस का उसके अंदर इन्फ्लामेशन। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इसके कंटेंट, इसके फीचर, आर्टिकुलर सरफेस, क्यूबिटल आर्टिकुलेशन, लिगामेंट्स, रिलेशंस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मोमेंट, कैरिंग एंगल्स, अप्लाइड एनाटॉमी सारा का सारा डिस्कस किया है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, और इसके जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। थैंक यू।